For latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. Hey guys, welcome to Movies Adda. मैं हूँ आपका फिल्मी होस्ट अमरप्रीत. Guys, आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण सिर्फ एक मिनट में. अभिषेक शर्मा जो तेरे बिन लादेन जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं वो लेकर आए हैं परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण. और कहना पड़ेगा जॉन इब्राहिम की ये आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है. बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी है. स्टोरी के ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, जैसे कि आप हेडलाइन से देख ही सकते हैं. परमाणु जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे इंडिया में 1998 में, आज से बिल्कुल 20 साल पहले. सो किस तरीके से इंडिया ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर एक न्यूक्लियर स्टेट बने, पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया, ये है स्टोरी. तो आप लोग जाके खुद ही स्टोरी को देखे, बहुत ही प्राउड फील करोगे. सो ये काफी रियलिस्टिक स्टोरी है. इसमें बहुत ही रियल सीन्स और उस समय के जो सिचुएशंस थे उसको दिखाया गया है. इसमें आप बिल्कुल नहीं देखेंगे कुछ कमर्शियली, कुछ यहाँ वहां, कुछ भी नहीं है. जॉन इब्राहिम की एक्टिंग बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगी. डायना पेंटी और बाकी स्टार कास्ट की भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग है. और डायरेक्टर अभिषेक शर्मा को भी क्रेडिट्स देने होंगे, बहुत ही सुपर फिल्म बनाई है. सो गाइज, आई एम वेरी श्योर, बीइंग इन इंडियन, अगर आप अपने देश पे प्राउड करते हो, अपनी इंडियन आर्मी पे प्राउड करते हो, ये फिल्म मिस मत करना. मैं इस फिल्म को 4 स्टार देने वाला हूं 5 में. आप लोग देखते रहिए मूवीज अड्डा और बीइंग फिल्मी. मैं आपके लिए बॉलीवुड के न्यूज और मूवी रिव्यूज लाता रहूंगा. एंड आई विल सी यू अगेन.